Hey everyone, this is Penu, Assistant Professor in Fashion Designing Department. Aaj ka hamara topic hai stitching of sailor's collar. This is the drafting of sailor collar. Ab is drafting ko hum pasting paper ke upar mark karenge. Like this. Sari marking kar lenge hum aur yahan se pasting paper hoga on fold. Fir isko hum cut kar lenge aur yahan pe jo marking hai wo hogi without seam allowances. पेस्टिंग पेपर के ऊपर हम सीम अलाउंस नहीं रखेंगे. ये होगी कटिंग सेलर कॉलर ऑन पेस्टिंग पेपर. अब इसको हम खोलेंगे साइड पे और ये है हमारा पेस्टिंग पेपर. अब इस पेस्टिंग पेपर को ट्रेस पेस्ट करेंगे फैब्रिक के ऊपर. देखो गर्ल्स, अब हमने सीम अलाउंस सारे मार्क कर लिए, फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया. अब हम यहाँ से इसको करेंगे ऑन फोल्ड बिकॉज ऑफ हमें फैब्रिक चाहिए था कट टू बट पेस्टिंग ओनली वन फोल्ड. अब हम यहाँ से इसको करेंगे फोल्ड लाइक दिस. यहाँ से ऑन फोल्ड और ये सारे जो पीसेस हैं हो जाएंगे कट. सी गर्ल्स, कट करने के बाद हमारे पास से पोर्शन आया फैब्रिक के, हमारे पास हैं कट टू और पेस्टिंग कट वन. अब हमने इसको सिलना है यहाँ से आउटर एरिया सारा और यहाँ से आउटर एरिया सारा. यहाँ से नहीं सिलेंगे क्योंकि ये ऑन फोल्ड है और ये है सारा नेक एरिया, तो इसको हम नहीं सिलेंगे. कितना सिलना है? यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बस ये टू सीम्स लगानी है. सो गर्ल्स, हमारी जो सीम है वो लग चुकी है. सीम लगाने के बाद ये था थोड़ा कर्वी एरिया, तो मैंने इस पर हल्के हल्के स्लैश भी दे दिए हैं. ठीक है, डोंट फॉरगेट क्लोज द सीम्स लाइक दिस. अब इसको हम करेंगे यहाँ से टर्न. ये है हमारा नेक एरिया. सी गर्ल्स, टर्न करने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और सेंटर में नॉच भी दे दी है. लुक एट, अच्छे से इसको प्रेस करना है. प्रेस करने के बाद हम इसको लगाएंगे बॉडीज के ऊपर. सो लुक्स गर्ल, अब हमारा बॉडीज ब्लॉक रेडी है. जो हमारे पहले बॉडीज ब्लॉक थे उनमें होता था हमारा नेक राउंड, बट इसमें क्या चेंज है, जो हमारा नेक है वो है वी बिकॉज ऑफ हमारा कॉलर्स जो है वो भी है यहाँ से वी. तो ये वी कितना होगा? जितना हमारा कॉलर की ये शेप है उतना आ जाएगा वी. हमारा प्लेकेट रेडी है. अब इसके ऊपर हम कॉलर को लगाएंगे. पहले करेंगे टैकिंग और फिर लगाएंगे सीम. सी गर्ल्स, टैकिंग करने के बाद बॉडीज के साथ हमारा कॉलर दिखेगा कुछ ऐसे. जो एक्सटेंडेड है उसके पीछे ही कॉलर ख़त्म हो जाएगा और जिसके ऊपर हमने हेमिंग करी है, जिस प्लेकेट के ऊपर हमने हेमिंग करी है उसके ऊपर ये पूरा कॉलर आएगा और पीछे से दिखेगा लाइक दिस. सी, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो ये एरिया है इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो हम बाकी बॉडीज ब्लॉक के ऊपर करते थे, डेफिनेटली हमने लगानी है बायस पाइपिंग. बायस पाइपिंग लगाने के बाद ये कॉलर हमारा हो जाएगा फिनिश. गर्ल्स, हमारी बाइंडिंग लग चुकी है. बाइंडिंग लगाने के बाद मैंने ये सारे कर्व एरिया पे छोटे छोटे कट्स दिए हैं. अब ये बाइंडिंग को हमने फिनिश करना है विद द हेल्प ऑफ हेमिंग. सी गर्ल्स, ये होगी हमारी हेमिंग फिनिश्ड और ये हमारा बैक लाइक दिस.